स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना पड़ेगा। देखो, कॉन्शियसली हम बहुत सारी बातों का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कई ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती है ना, हमारे पास्ट के कर्म भी बीच में आ जाते हैं, बातें भी आ जाती हैं। तो हमारे पास हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि 90% पावर हमारे जीवन की उनके हाथ में है। उनको अगर हम एक्टिवेट कर लें तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। इसके लिए पहला तरीका तो ये है कि जब भी हम रात को सोने जाते हैं ना, तो हम उसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ सो जाए जो हम करना चाहते हैं। बाबा भी कहते हैं ना, बच्चे मेरी याद में सो जाओ। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए भी बाबा ने कहा था, मुरलियों में कहा है कि उनके नींद का समय भी याद में गिनती होता था। बाबा मम्मा ने ज़्यादा से ज़्यादा याद के चार्ट को नींद के समय में कवर किया है, कारण सबकॉन्शियस माइंड को वो काम दे दिया था। तो हम जो श्रेष्ठ संकल्प करना है उनकी याद में, उसी को चिंतन में लाते हुए सो जाए। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो एक्टिव है वो फिर शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जिस संकल्पों के साथ हम सोए वही सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड हो जाता है, सारी रात तो उस पर काम करता है। दूसरी विधि है, जब हम सुबह उठते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, उठने से 10-15 मिनट तक, तब भी हम श्रेष्ठ संकल्प करें, अच्छे अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। बाबा के श्रेष्ठ स्वमान, बाबा के महावाक्यों का चिंतन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली बना देता है। और दिन भर में भी हम जो कुछ भी सोचते हैं विजुलाइज करते हैं, जो कुछ भी विजुलाइज करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो हम वही देखें, वही विजुलाइज करें जो हम बनना चाहते हैं, पॉजिटिव बातें, श्रेष्ठ चित्र, श्रेष्ठ चिंतन। तो बाबा की इन श्रीमत पर चलने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा कि हमारे अनादि संस्कार जो है आत्मा के, हमारे जो आदि नेचर, आदि देवी कुल के हमारे जो संस्कार है, धीरे धीरे इमर्ज होते जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, बच्चे इस ब्राह्मण जीवन में ही तुम्हें देवता बनना है। वो कैसे बनेंगे? ऐसे ही हम अपने संस्कारों को इमर्ज करते जाए। ब्रह्मा बाबा भी यही करते थे ना, बार बार अपने देव स्वरूप को देखते थे, अपने फरिश्ते स्वरूप को देखते थे। देखते देखते स्मृति इतनी शक्तिशाली हो गई कि बाबा का वो स्वरूप ही बन गया। तो श्रेष्ठ संकल्प से हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी, उनसे हमारा विजन भी पॉजिटिव होगा और हम समर्थ बन जाएंगे। इसी बाबा की विधि के आधार से हम शक्तिशाली बन सकेंगे। ओम शांति।